कोई बता सकते हैं कहां तक हुआ था? बताइए साइंटिस्ट लोग। सर ग्राफ के बाद नोट लिखवा दिया गया। हाँ नोट का लिखा है। हाँ बोलिए बताइए बताइए। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर बिकॉज बोथ प्रोसेस्ड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड विद बोथ प्रोसीड। हाँ बोथ प्रोसीड इन बोथ प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। यही था ना? यस सर। ओके बोथ प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन। बोथ प्रोसीड का मतलब हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। चलिए खैर नया टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और से सुने। पहले एक टर्मिनोलॉजी लिख लें, एक्टिव मास। एक्टिव मास, एक्टिव मास जो है बेसिकली उसका फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब मोलारिटी का भी फॉर्मूला यही था। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड। अरे और सबको नहीं बोला, आराध्या बहुत दिनों के बाद आई है, आप भी कुछ रिस्पॉन्स करें साइंटिस्ट। यस सर। हाँ वेरी गुड। एक्टिव मास का फॉर्मूला होता नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, हम मोल पर लीटर इसकी यूनिट है। अब आइए, बीच बीच में कभी एक्टिव मास आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब टॉपिक डालिए, लॉज ऑफ मास एक्शन। इसलिए एक्टिव मास के तक बना लॉज ऑफ मास एक्शन। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, दो मिनट पहले ए प्लस बी रिएक्शंस करके सी प्लस डी बनाया। रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। देखिए लॉज ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, किसी भी रिएक्शंस की जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आसान है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन भी वर्ड बोल सकते हैं या एक्टिव मास भी बोल सकते हैं। मास ऑफ ईच रिएक्टेंट, खुद सोचिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितना बढ़ाएंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा तो उतना ही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। वही चीज यहां पर है, ये जो लॉ है वो यही कहता है ईच रिएक्टेंट। इसमें रेस टू पावर इक्वल टू स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट। इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। अब मैं इसको फिर से, तो पहले यहां तक लिखिए फिर मैं समझाता हूं, जल्दी लिखिए सारे लोग।
लिया यहां तक? यस सर। समझ में भी आया? रेट ऑफ द रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? सारे लोग मिलके बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर, हाँ यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। मेन है याद रखना, रिएक्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब ये हुआ, जैसे ए प्लस बी है, रिएक्शंस करके सी प्लस डी बनाया, तो देखो रेट का इक्वेशन क्या होगा, ए और बी, वेयर के कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। फॉर जनरल फॉर्मूला ए ए प्लस बी बी रिएक्शंस करके सी सी प्लस डी डी बनाया, तो रेट का जो एक्सप्रेशन होगा रिएक्टेंट की कन, वही लिखा गया रेस टू पावर इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक कौन है? स्मॉल ए स्मॉल बी। ये हुआ लॉज ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन। मान लो तुम्हारे पास N2 गैस है, 3 H2 गैस है, गिव्स 2NH3। रेट लॉ ये कहता है कि KN2 S2 का होल क्यूब। ये हुआ लॉज ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन। बोले आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। लिखें, सर इसमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता ना हमें? रिएक्ट प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे। तो फिर आप समान मशीन में जितना डालेंगे उतना प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्शंस की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। हम रेट लॉ लिख रहे हैं, रेट 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 ऑफ रिएक्शन। ओके यस सर। सर के की वैल्यू मतलब फिक्स्ड होती है या मतलब वो? अभी कुछ भी नहीं पूछना, अभी पहले लिखिए, सब बताएंगे। अभी रुकिए, अभी पहले लिखिए एक्सप्रेशन को, फिर बताएंगे सब कुछ। लिख लिया सारे लोग? हाँ सर। अभी के पर अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कीजिए, अभी सब बताएंगे। पहले रेट किसी भी रिएक्शन का लॉज ऑफ मास एक्शन कैसे लिखना है, आपको समझ में आ गया? ठीक, अब आइए टॉपिक डालिए, उसी में हम के की बात करेंगे। लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए हमने आपको लॉज ऑफ मास एक्शंस पढ़ाया। अब 2 मिनट रुकेंगे। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, रिवर्सिबल है, ये सी प्लस डी गया, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड हुआ, ये रेट ऑफ बैकवर्ड हुआ। प्लीज ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मास एक्शन, हम इस रिएक्शन को 2 पार्ट में बांट रहे हैं। पहला पार्ट ये है फॉरवर्ड सी प्लस डी में कन्वर्ट हुआ, तो आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू के एफ। ए इंटू बी होगा कि नहीं? लॉज ऑफ मास एक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस रिएक्शन का दूसरा पार्ट है कि प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट, इसलिए इसका नाम रिवर्सिबल पड़ा। तो ये आर बैकवर्ड हुआ, तो आर बैकवर्ड जो होगा, तो अब इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, तो सी एंड डी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मास एक्शन। इसका ये मतलब नहीं कहना कि प्रोडक्ट पर डिपेंड किया, भाई ये रिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल होता तो हम नहीं लिखते। ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल जब होगा तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं, जब ये इसमें जाएगा तो? बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए पहले यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आयुषी श्रीवास्तव को आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। गुड। आप और आराध्या एक ही स्कूल की हैं? लिख लिया? एक मिनट सर। लिख लिया सर। लिख लिया। थैंक यू। आपको मालूम है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। तो केफ ए इंटू बी से इंटू डी। अब देखो केफ बाई के बी का जो रेशियो होगा वो सी और डी बाई ए और बी का रेशियो के बराबर होगा, हाँ या ना? जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। यस। अब देखिए प्लीज, के एफ का नाम है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड। लॉज ऑफ मास एक्शन में जो के एफ आता है उसका नाम है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, बातचीत नहीं। यहां देखिए सारे लोग, के बी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। तो बताइए दो कांस्टेंट का रेशियो इन अदर कांस्टेंट होगा कि नहीं, जल्दी बताएं। यस सर। यस। इसके रेशियो को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वेरी गुड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के दो, मैं प्रूफ करके इसलिए दिखा रहा हूं कि दो फॉर्मूला आएगा। प्लीज पहले गौर से एकदम शांत रहिए, सब अच्छे से समझ में आएगा, रुकिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये क्या बताता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है कि क्या होता है, ये सब सिखाया जाएगा। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्ट लिखना हो तो बताओ प्रोडक्ट, अब देखो मेन रिएक्शंस को देखो तुम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नोमरेटर में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में। बोलो आया कि नहीं सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस। मान लीजिए कि अगर आपके पास ए ए प्लस बी बी रिएक्शंस करके सी सी प्लस डी डी बनाया, डायरेक्ट कोई कहे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट सी पे पावर सी, डी पे पावर डी, ए पे पावर ए, बी पे पावर बी। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes. इसी को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मैं स्टेटमेंट लिखा हूं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं है, जो आपने अभी लिखा है उसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्ट टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो इसी के रेशियो को हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कहते हैं, यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बहुत सारी बातें अभी होंगी, तो पहले एकदम बेसिक से आपको समझाया जा रहा है कि कोई भी कहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दो फॉर्मूला याद रखिए। पहला रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रेट, इस पर ध्यान देते ही नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ हम लोग राइट साइड वाले को याद कर लेते हैं। के इक्विलिब्रियम का अनदर फॉर्मूला प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विथ सम पावर जो होगा बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। आपको दोनों फॉर्म आना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ हो सकता ऑब्जेक्टिव में केएफ केबी के फॉर्म में दे दे, ये तो आपको राइट साइड वाला तो याद रखना ही रखना है, अभी तो प्रैक्टिस होगी कैसे लिखते हैं
अभी रुक जाइए, थोड़ा सा इसको लिखिए, फिर हम और आगे बताते हैं। लिखे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात वही होगी रिवर्सिबल रिएक्शंस में, जहां इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा। निकलिया साइंटिस्ट लोग, एक मिनट सर। थैंक यू आराध्या कौशल, लिख लिया आपको, आ रहा है साइंटिस्ट? यस सर। थैंक यू। तो फिर आप इतना, तो एग्जाम सही से हुआ आपका? यस सर, थोड़े ऑब्जेक्टिव थे तो थोड़े उतने अच्छे नहीं हुए। कोई बात नहीं, आप रेगुलर क्लास कीजिए ना, आप क्लास इतना छोड़ती हैं, दो दो तीन तीन हफ्ता तो कैसे होगा, रेगुलर क्लास कीजिए, वरना ट्वेल्थ बहुत वीक हो जाएगा आपका, ट्वेल्थ खराब हो जाएगा, इसको पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। चलिए सब लोग जल्दी लिखें। अब मैं कुछ क्लासेस के बाद ऑर्गेनिक शुरू करूंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम दो दिन ऑर्गेनिक, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हम आयनिक भी शुरू करेंगे और ऑर्गेनिक भी। लिख लिया, हेलो एवरीवन, यस सर। तो आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। मेरे साथ लिखिए, एट अ गिवन टेम्परेचर, एक लाइन छोड़ के लिखिए, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट product raised to
to the respective stoichiometric coefficient. And concentration of reactant. देखिए एक मिनट, सारे लोग सुने। यहां पर मैंने लिख दिया ना रेस टू रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में भी यही लैंग्वेज होगी, आप समझ ही जाएंगे ना। उसमें भी तो जो पावर होगा, तो मैं थोड़ा सा ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख देता हूँ, हैज कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर भी वही होगा, रेस टू रिस्पेक्टिव पावर। अरे बोलिए, हेलो। यस सर। हाँ, एक दफा लिख दिया ना, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, लाइन लंबी हो जाएगी इसलिए। तो हैज कांस्टेंट वैल्यू, एकदम फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, टेम्परेचर चेंज करने पर ही चेंज होगी। इसी को कहते हैं, इट इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अच्छी अच्छी बातें अब आएंगी। ये तो हो गया लॉ ऑफ केमिकल, ये बहुत आसान चैप्टर है, कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, आराम से पढ़िए। लिख लिया सारे लोगों ने हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। A lot of thanks. चलिए अब हम आपको ये पढ़ाते हैं, इधर सुनिए। Types of equilibrium constant, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, आप सुनिए अच्छे से। आप इस चैप्टर में दो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पढ़ेंगे, के सी के पी। कोई भी क्या है, के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। के पी क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। वॉट डज मीन, अब अच्छे से देखें। C का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, ब्रैकेट मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर। तो आपने अभी देखा कि अगर कोई रिएक्शन AA प्लस BB है, रिएक्शन करके CC प्लस DD बनाया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इज इक्वल टू C पे पावर C, D पे पावर D, A पे पावर A, B पे पावर B। KP क्या है सर? तो KP भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, हेलो एवरीवन, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल, इसलिए नाम है पी, पार्शियल प्रेशर। इसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का मतलब है गैसेज स्टेट, ए समझिए सब गैसेज स्टेट में, ना भी लिखा जाए, अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, डी इसको भी लिखने का तरीका वही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पे पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पे पावर, इसमें ये ब्रैकेट देंगे, छोटी ब्रैकेट, स्मॉल, जानते हैं ना, छोटी मछली बड़ी बड़ी, अरे बोले ना, हेलो एवरीवन, पार्शियल प्रेशर, हाँ जी सर, जी सर, हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी स्मॉल बी, दोनों एक याद रखिए केमिस्ट्री में, के सी क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के पी क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैसे लिखते हैं, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पर लिखते हैं रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। आया समझ में, हेलो एवरीवन, यस सर। इसको लिखिए जल्दी से, ले जाओ ना जाके, यार खुद ही आ जाए।
अरे नीचे गई है यार, अभियान माइक ऑफ कर लो। Written. Has everyone completed? Yes. Yes, sir. Okay. तो देखिए फिर से बताइए, केसी क्या है, केपी क्या है, दोनों का नाम एक ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. फर्क ये है कि एक में कंसंट्रेशन हम मोल पर लीटर के फॉर्म में लिखेंगे, एक में पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे। बोलिए, हेलो एवरीवन। Yes, sir. एक मिनट हो जाएगा, एक मिनट। चलिए कंप्लीट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट में आइए। तो यहां तक कोई डाउट आना है सबको? नो सर। एक मिनट पीछे कर दो। क्यों सर? वो लास्ट वाला बस केपी रह गया फॉर्मूला। अब तक नहीं लिखा, जल्दी लिखिए। अल्लाह क्या कर रहे हैं आप, जल्दी लिखिए। वो सर हाथ में लगी हुई है तो थोड़ा धीरे हो गया लिखना। अच्छा, चोट लग गया है? हाँ सर, वो नखून में लग गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए ना, आराम से लिखिएगा घर पे, वरना तकलीफ हो जाएगी ना। हाँ ठीक है सर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि हम केसी केपी की मीनिंग से पहले टॉपिक डालिए, रिलेशन, जब दोनों इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है तो दोनों में रिलेशन क्या है, जल्दी लिखिए। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, फिर केसी केपी की फिजिकल मीनिंग समझेंगे, ये बताना क्या चाहता है। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ए ए बी बी रिएक्शंस है, सी सी प्लस डी डी, तो आप सबको मालूम है कि भाई केसी क्या लिखेंगे, तो सी पे पावर सी, डी पे पावर डी, इसमें ए पे पावर ए, बी पे पावर बी। वेरी गुड। अच्छा, आप समझिए कि सर, कि अगर आपके पास PV is equal to गैस के फॉर्म में पढ़ा है ना, NRT, जल्दी बताइए हाँ या ना। yes.
क्यों हम प्रेशर को कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं? देखिए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल पर लीटर आ गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हाँ, उसका रीजन यही है क्यों लिखते हैं। इसलिए पी को हम लिख सकते हैं सीआरटी, सीमान मोल पर लीटर। अब देखिए इसी को अगर हम लिखें केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पे पावर सी, पार्शियल प्रेशर डी पे पावर स्मॉल डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पे पावर स्मॉल ए। कोई जरूरी नहीं कि इसमें ब्रैकेट लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, इसमें ब्रैकेट लिखना जरूरी रहता है, ये ब्रैकेट। तो केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का मतलब देखिए यहाँ पे सी सी आर टी पे पावर सी, सी डी आर टी पे पावर डी, सी ए आर टी पे पावर ए एंड सी बी आर टी पे पावर बी। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. आप देखिए यहाँ पर केपी यहाँ पर जो लिखा हुआ सी सी कंसंट्रेशन, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी एंड सी डी पे पावर डी, सी डी कंसंट्रेशन ऑफ डी पे पावर डी, उसी तरह नीचे ए पे पावर ए, बी पे पावर बी, और मैथ के स्टूडेंट हैं आर टी पे पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। पावर जब सम हो, पावर ऊपर वाले में सी प्लस डी हो जाएगा, नीचे वाले में भी ए प्लस बी, तो ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। हेलो एवरीवन, बोलिए। yes. तो अब बताइए ये क्या है, ये केसी है कि नहीं, जल्दी बोलो सारे लोग। हाँ सर। yes, sir. केसी आर टी पे पावर, इसको बोलेंगे डेल्टा एन जी। दिस इज द रिलेशन जो कि बहुत काम आएगा अभी धीरे धीरे। पहला रिलेशन इस चैप्टर का आया केपी केसी क्या। अब डेल्टा एन जी तुम थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्लियर है? हेलो एवरीवन। यस सर। थर्मोडायनेमिक्स पर जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, प्लीज देखिए एग्जाम्पल देकर, अगर आपसे कोई पूछे एच टू गैस है, आई टू गैस है, 2HI गैस है, तो यहां पर डेल्टा NG जो होगा गैस के मोल प्रोडक्ट के दो, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो डेल्टा NG जीरो हो गया। तो KP इज इक्वल टू KC RT पे पावर डेल्टा NG। तो इस रिएक्शन में KP KC ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, चार ऑप्शन दे देगा, KP ग्रेटर देन KC, KP लेस देन KC, KP यहां पर बराबर है। एग्जाम्पल टू, अगर आपके पास N2 गैस है, 3S2 गैस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, 2NH3 गैस है, तो डेल्टा NG इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2, तो KP इज इक्वल टू KC RT पे पावर माइनस 2। इससे साबित हुआ KP लेस देन KC होगा। तो जब डेल्टा एन जी नेगेटिव में आ जाए तो समझिए केपी लेस देन केसी होगा। अगर आपके पास सीओ सीओ थ्री सॉलिड है, सी एओ सॉलिड है, सीओ टू गैस है, तो बताइए डेल्टा एन जी जो होगा वो वन माइनस जीरो वन होगा, और जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो तो केपी ग्रेटर देन केसी होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये रिलेशन आपको याद रखना। चलिए यहाँ तक लिख लिया था आपने, ये लिख लिया था? No, sir. अच्छा, जल्दी लिखिए।
रिटन सर एवरीवन रिटन यस यस सर जब कोई बोल ही नहीं रहे लिख लिया यस सर लिखिए सर लिख लिया गुड आंखें भरे सारे लोगों ने लिख लिया यस सर गुड अब आइए नोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड को हम सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। एंड प्योर सॉलिड, ड्यूरिंग प्रोग्रेस, मैं इसको प्रूव करूंगा, ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं होता है। चेंज होता भी है तो बहुत ही माइन्यूट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच नॉट कंसी, ड्यू टू विच क्या कहते हैं उसको, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड इन इक्विलिब्रियम आर नॉट कंसीडर्ड, इसको हम कंसीडर नहीं करते, याद रखिएगा, सॉलिड लिक्विड को लिखा नहीं जाता है। इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ऐसे भी बताइए केपी में तो हम लिक्विड और सॉलिड को तो लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहां तो गैस का कॉन्सेप्ट है, बोलिए हाँ या ना। हेलो, यस सर, यस सर, हाँ। जैसे मिसाल के तौर पर CaCO3 सॉलिड है और CaO सॉलिड है प्लस CO2 गैस है, आपको क्या है केसी लिखो, तो केसी का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, कुछ भी नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सॉलिड है, सॉलिड को लिखा ही नहीं जाएगा। अगर इसका क्या है केपी लिखो, तो केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, यहाँ पर केसी केपी आया समझ में। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, यस। अगर आपको हाँ तो अभी यही सबकी प्रैक्टिस होगी, एकदम बेसिक से एक्वस है, आपके पास वाटर प्योर लिक्विड है, रिएक्शन करके NH4 एक्वस बनाया और OH- एक्वस बनाया, तो यहाँ पर केपी तो डिफाइन नहीं होगा क्योंकि गैस नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ केसी डिफाइंड होगा। बहुत सारी रिएक्शन में दोनों डिफाइंड होगा, बहुत सारी रिएक्शन में कोई एक डिफाइंड, केपी बहुत सारी रिएक्शन में डिफाइंड नहीं होगा, एक भी गैस अगर नहीं है तो वहां केपी आप नहीं लिख सकते, यहाँ केसी लिखेंगे। केसी का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्वस को लिखा जाएगा, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन हो गया, प्योर लिक्विड तो है नहीं, NH3, समझा कि नहीं, वाटर इज नेग्लिजिबल। हेलो एवरीवन, यस सर, और याद रखिए यहाँ पर वाटर क्या है, एक्सेस में, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, एक्सेस में। और मैं आपको बता दूं, कोई ये डायलॉग याद रखिए, एनी रिएक्टेंट, तो यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा होता है कि नहीं, मोल कंसेप्ट में पढ़ा है कि नहीं, जल्दी बताइए। एनी सब्सटेंस इज इन एक्सेस, ये केमिस्ट्री भी कहता है, कोई भी चीज अगर एक्सेस में होना, देन देयर कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद टाइम, ऐसे में मिसाल भी ले लेता हूं तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये 0.1 मोल है और ये 10 मोल है, बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये जीरो हो जाएगा कि नहीं कुछ टाइम के बाद, जल्दी बताइए। यस सर। और ये कितना बचेगा, 9.9, बहुत माइन्यूट चेंज हुआ कि नहीं, बोलिए हाँ। इसलिए हम प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड को हम कंसीडर ही नहीं करते, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ सॉल्वेंट लिखा है, उसकी कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता, समझ में बात आई, इसलिए देखिए वाटर को नहीं लिखा गया। हाँ एक जगह लिखेंगे बस, वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद NCERT ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिया है, हो सकता है वो पूछ दे, कब वो हम बताएंगे, पहले बताइए सबको समझ में आ रहा है। हेलो एवरीवन, यस सर, यस सर, यस सर,
ए लॉट ऑफ थैंक्स लिखिए। अच्छा एक मिनट, ये तो लिख ही लिया था, हाँ यहीं से लिखिए। सर एक बार रीजन और फिर से बता दो कि क्यों हम निगलेक्ट करते हैं। एनी रिएक्टेंट इज इन एक्सेस देन इट्स कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज विद टाइम। लिख तो दिया, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है कि नहीं लिखा मैंने? चलो कि नहीं लिखा क्या, तो पहले लिखिए इसको। यहाँ तक लिख लिया जल्दी। रिटर्न, एवरीवन रिटर्न? यस। एक तो आप हमेशा याद रखिए कंसंट्रेशन को यहाँ पर एक्टिव मास कहते हैं, और एक्टिव मास को हम क्या लिखते हैं जल्दी बताइए, मोल्स बाय वॉल्यूम लिखते हैं जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस। मोल्स को हम क्या लिखते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब बताओ ये डेंसिटी हो गई मास बाय वॉल्यूम? हाँ सर। यस सर। डेंसिटी बाय मोलर मास। तो एक लॉजिक ये भी दे सकते हो कि डेंसिटी प्योर लिक्विड की, प्योर वाटर की कांस्टेंट होती है कि नहीं हमेशा, जल्दी बताओ। हाँ सर। अब मोलर मास भी कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, वाटर का तो मोलर मास हमेशा, तो दोनों का रेशियो ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसीलिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ साथ प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ उतना तेजी से चेंज नहीं होता, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसके एक्सप्रेशन को हम नहीं लिखते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ तो आप इस तरह भी समझा सकते हैं किसी को। चलिए लिख लें इसको, ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं। रिटर्न सर। सर वो पीछे का लिखा नहीं था, वो एक दो स्लाइड ना वो इससे पहले की रह गई थी जो, कहाँ रह गई थी? अच्छा यहाँ ये लिखे हैं।
लिख लिया। यस सर। गुड। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बताइए, एक्वस को लिखा ही जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, अब बताइए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में क्या सिर्फ लिखेंगे, क्या वाटर लिखेंगे यहाँ? नहीं सर, C2H5 लिखेंगे। यस, क्या यहाँ पर केपी लिखा जा सकता है? केपी नहीं सर, उसके लिए गैस चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। लिख लिया। हेलो। यस सर। यस सर। अब एक इम्पोर्टेंट लाइन, इस पर जितना स्टार पॉइंट डालिए सुनिए अच्छे से। इफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड स्टेट, अब तक बहुत सारी रिएक्शन में देखिएगा कोई एक लिक्विड होगा, समझा कि नहीं, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं, इफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज, देन देयर कंसंट्रेशन इज कंसीडर्ड इन द एक्सप्रेशन ऑफ केसी बिकॉज In this case, H2O is not act as solvent. Pure solvent की तरह behave नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसी reactions को हमने क्या किया, पूरे को liquid phase में रख दिया। C2H5OH भी लिक्विड में है। अब यहां देखिए, पता ही सब लिक्विड फेज में है कि नहीं? हेलो एवरीवन। हेलो। यस सर। तो अब यहां हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, सबको लिखेंगे। जब कोई एक लिख, हाँ सबको लिखेंगे। अरे बोलिए ना, हेलो, आप सबकी डेंसिटी चेंज करेगी C2H5, क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा पूरी तरह। हेलो एवरीवन, यहाँ पर आपके पास है, हाँ C2H5 कोई एक लिक्विड में रहे तो आप, लेकिन सब होमोजीनियस रहे, लिक्विड। हाँ, कोई अगर यहाँ पर एक एक्वस लिख दिया तो फिर हम निगलेक्ट करेंगे, नहीं लिखेंगे। सुना सारे लोग?
हेलो यस सर यस यस ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको मैंने लिख लिया। एवरीवन, सबको समझ में आया? अगर तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिक्विड में होगा तो आप उसको लिखेंगे, करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर यस सर लिख लिया? यस सर लिया? यस सर एक दो आप लिख के देखिए आपको आ रहा है कि नहीं, अभी भी लिखने बट इसका केसी केपी दोनों लिख सकते हैं कि नहीं? केसी कहेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, केपी है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनएस थ्री पार्शियल प्रेशर ऑफ एस टू एस। कोई डाउट? नो सर।
निकलिया हेलो एवरीवन यस यस सर यस सर गुड। अब हम इसकी फिजिकल मीनिंग पर पीएचडी करेंगे। फिजिकल मीनिंग क्या है इसकी, ये तो अब तक इक्विलिब्रियम टॉपिक डालिए, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या ऐसे लिखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केसीएन की, ये टॉपिक डालिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केसी एंड केपी, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ केसी एंड केपी। क्लियर सारे लोग? हाँ, हम लोगों ने अभी मैथमेटिकली डिफिनेशन पढ़ा। हेलो एवरीवन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो पहला पॉइंट डालिए कि ये क्या बताना चाहता है। तो लिखिए द वैल्यू ऑफ केसी गिव्स द आइडिया ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट का मतलब स्पीड, कैसे वो मैं बता रहा हूं आपको। लिख लिया हेलो वैल्यू, लिख लिया सारे लोग? यस यस सर। कुछ सोचिए, मान लीजिए कि ये तीन चीजें जो आपको ग्राफ के साथ बताई जाएंगी, ये आपके पास सी प्लस डी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं सी डी एन ए बी। आप बताइए, खुद सोचिए, केसी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब क्या हुआ? मोर प्रोडक्ट बना होगा इसका। ये रेशियो जब ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। हेलो एवरीवन, यस सर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ? ज्यादा प्रोडक्ट बना होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बना होगा तो रिएक्शन आगे गया होगा कि नहीं। हेलो एवरीवन, मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये हुआ कि अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है तो कोई कहे क्या मतलब हुआ, मतलब रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम एट लेटर स्टेज। लेटर का मतलब हुआ बहुत पहले इक्विलिब्रियम आ गया। अगर लो वैल्यू है, केसी लेस देन वन है, इसका मतलब हुआ कि अर्लियर स्टेज में पहला वाला मैंने क्या बताया था, लेटर का ना बहुत बाद में इक्विलिब्रियम आया। बहुत बाद में इक्विलिब्रियम आने का मतलब ही हुआ कि ज्यादा प्रोडक्ट बना होगा। जब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन थोड़ा लेट से होगा। रिएक्शन थोड़ा लेट से होने का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम लेटर स्टेज में आया होगा। खुद सोचो, अगर केसी की वैल्यू लेस देन वन है, इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ही कम बना होगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। प्रोडक्ट जब कम बना होगा तो इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया होगा, अर्लियर स्टेज में ही आ गया होगा। हेलो एवरीवन, आया समझ में? यस सर। तो फिर से समझिए, वैल्यू ऑफ केसी क्या आइडिया देता है, सारे लोग मिलके बोलिए, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब ये हाई वैल्यू ऑफ केसी, सुनिए अच्छे से, हाई वैल्यू ऑफ केसी सजेस्ट रिएक्शन attains equilibrium, attains equilibrium at later stage। later stage का मतलब क्या हुआ?
मोर मोर फॉर मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म, यानी मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ज्यादा प्रोडक्ट बना होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। देख लीजिए, हाई वैल्यू ऑफ केसी सजेस्ट रिएक्शन अटेंड्स इक्विलिब्रियम एट लेटर स्टेज, बहुत बाद में आया होगा। बताओ, अरे ऋषिक बंसल आ रहा है तेरे को? ऋषिक आ रहा है समझ में? यस सर। लिख लिया सर। ओके, सारे लोगों ने लिख लिया? यस यस सर। आप बताइए, उसी के नीचे लिखिए लो वैल्यू ऑफ, लो वैल्यू ऑफ केसी सजेस्ट रिएक्शन attains equilibrium earlier stage। ठीक, इससे ये बात साबित हुई, conclusion कि value of, यही सब पर objective सब बनेगा, value of KC directly proportional to stability of product। जितना ज्यादा product बनेगा, product की stability ज्यादा होगी, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस्टेब्लिश, जितना केसी ज्यादा होगा तो मोर फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट की एस्टेबिलिटी कम है, तभी तो ज्यादा जा रहा है फॉरवर्ड की तरफ। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, इन सब पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाया गया, वैल्यू ऑफ केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एस्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। आयुषी को आ रहा समझ में? यस सर। गुड, आगे बढ़ें। यस। अच्छा देखिए, अब मैं इसको ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, पहले बताइए। यस सर। प्लीज सुनिए, ए पार्ट, इसी पॉइंट का ए पार्ट, अगर आप खुद सोचिए, याद है हमने तीन ग्राफ बनाया था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम केसी, ये देखिए आप, तीन ग्राफ जो था कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में, तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम पे था कि नहीं प्रीवियस क्लास में, बताओ? यस सर। हाँ, अब देखो सिग्निफिकेंस समझो, हो सकता है पेपर में इस तरह दे दे, देखते रहना। मान लीजिए यहां पर इक्विलिब्रियम आया, तो बताओ ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, तो बताओ इक्विलिब्रियम पर दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। अब बताओ इसमें प्रोडक्ट ज्यादा है कि रिएक्टेंट ज्यादा है, जल्दी बताओ किसका अमाउंट ज्यादा है?
यस, तो के सी ग्रेटर देन वन का मतलब हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है कि नहीं रिएक्टेंट से। हेलो एवरीवन, तो ये ग्राफ, तो तीनों ग्राफ का सिग्निफिकेंस समझो। कोई तुमसे पूछ देगा चलो ठीक है तीनों इक्विलिब्रियम में, तो इस ग्राफ का मतलब बताइए। केसी ग्रेटर देन मतलब इक्विलिब्रियम बहुत बाद में आया होगा, मोर प्रोडक्ट बना होगा। मतलब ये ऊपर देखो इधर द रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? द रिएक्शन प्रोसीड, द रिएक्शन मस्ट प्रोसीड। देखिए एक एक चीज पर पीएचडी कीजिए। मस्ट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, लग ज्यादा प्रोडक्ट जब बनेगा तो ऐसे तो रिवर्सिबल कभी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना नियरली टू कंप्लीशन, रिएक्टेंट रिएक्शन लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है, मतलब मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म। हेलो एवरीवन। यस सर। अरे यस सर, एक ही बच्ची बेचारी बोल रही है, नमरा के अलावा कोई नहीं बोलते हैं भाई, बोलिए ना। एंड एंड ओनली नेगलिजिबल 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 अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर लेफ्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर लेफ्ट एट इक्विलिब्रियम। बोलो समझ में आया इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस? बोलो हाँ या ना। देखो इक्विलिब्रियम, हाँ देखो इक्विलिब्रियम पर ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, द रिएक्शन मस्ट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन एंड ओनली बहुत ही कम प्रोडक्ट, बहुत ही कम रिएक्टेंट बचा होगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? एनी? नो सर। देखिए हाँ, इस ग्राफ में बताओ केसी कितना है, ग्रेटर देन वन की लेस देन वन की इक्वल टू वन? ग्रेटर देन वन। यस यस, ग्रेटर देन वन, ये टी बहुत अच्छे से निकालती है, टी ग्रेटर देन वन, गुड रिटर्न, ग्रेटर टी बहुत अच्छा बोलती है नम्रा आप, माशाल्लाह टी की जो आवाज है इनकी बहुत अच्छी आवाज है टी की भाई। ओके लिख लिया नम्रा? यस सर। ऋषिक बंसल लिख लिया? यस। हैज एवरीवन रिटन? अरे नम्रा बोलिए ना, रिटन रिटन। हाँ देखिए ये रिटन बोली बेचारी। अब आइए तो केमिकल बॉन्ड समझ में आ रहा ना नम्रा आपको? यस सर। केसी लेस देन वन का मतलब ग्राफ सुनिए, तो मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी एट इक्विलिब्रियम पर। बोलिए क्या मैंने सही लिखा? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, क्या है भाई आवाज? हाँ इनवेज ओनली, बताओ ज्यादा प्रोडक्ट बना होगा कि कम प्रोडक्ट बना होगा? सर कम बना होगा। हाँ सिग्निफिकेंस पर पीएचडी कीजिए, यही सब ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट, मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स बचा खुचा एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इसका ग्राफ देखिए ऐसा रहा होगा, वो टेस्ट ट्यूब जैसा सा रहेगा ना? जी जी जी, ये था कि नहीं रिएक्टेंट, इस तरह का ग्राफ बनाया गया था। हेलो हेलो एवरीवन, तो देखिए रिएक्टेंट ऊपर है कि नहीं? हेलो हेलो यस सर। हाँ अब बताओ इस ग्राफ में केसी ग्रेटर देन वन है कि लेस देन वन है? जल्दी बोलिए। लेस देन वन। वेरी गुड, यही सब इम्पोर्टेंट। अब सिर्फ केसी लिखने से काम नहीं चलेगा, केसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए अच्छे से स्टूडेंट, तभी आपको मजा आएगा आगे।
रिटर्न देखिए बेचारी रिटर्न कर ली. ओके इफ केसी इज इक्वल टू वन ऐसा भी हो सकता है तो मेरे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऑलमोस्ट बराबर होगी एट इक्विलिब्रियम स्टेज कंपेरेबल होगी. हेलो एवरीवन और ये यही है जो ग्राफ पहला बनाया गया था. तो ग्राफ का सिग्निफिकेंस समझ में आया सबको? तीनों इक्विलिब्रियम पर है लेकिन तीनों की मीनिंग अलग अलग है. कि एक है कि भाई इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंचते पहुंचते बहुत सारा प्रोडक्ट बन गया होगा. एक है इक्विलिब्रियम पहुंचते पहुंचते कम प्रोडक्ट बना होगा. एक है कि कंपेरेबल है. हेलो एवरीवन. यस सर. यस सर. तो चलिए आज इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी. ओके.